नवाज शरीफ पहले गिरफ्तारी दें फिर अपील करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ बगैर वजह अदालत से गैर हाजिर हैं, मफरूरी के बायस अपील का हक खो बैठे, दरख्वास्त मुस्तरद करने के सिवा कोई चारा नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें समाअत के लिए मुकर। नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से फरार हो गए। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अवाम की फतह है। नवाज शरीफ फैमिली को पाकिस्तान के अवाम से लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला पाकिस्तान के अवाम की जीत है। नवाज शरीफ फैमिली को लूटा हुआ पैसा वापस करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का रद्द अमल। शेख रशीद बोले, नवाज शरीफ धोखे से फरार हुए, वो एक टिकट में दो मजे ले रहे थे, उन्होंने अपना केस खुद खराब किया। दुश्मन लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इंतशार और खदशार देखना चाहते हैं, वो मुंह की खाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो अदारे हैं वो मुस्तहकम हैं। पंजाब पुलिस ने मुलजमों के करीब पहुंच गए, जल्द आपको अच्छी खुशखबरी देंगे, हम जो है केस की तह तक पहुँच गए। वज़ीर दाखला शेख रशीद का लाहौर धमाके की तहकीकात में जबरदस्त कामयाबी का दावा। कहते हैं पुलिस मुलजिमान के करीब पहुंच गई है, जल्द हिरासत में लेकर अच्छी खबर सुनाएगी। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले नाकाम होंगे, पाकिस्तान कभी किसी दबाव में नहीं आएगा। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म पर तंज के तीर बरसा दिए। कहती हैं इमरान खान करप्ट ना अहल नहीं, ये ज़कूटा जिन के कमाल हैं। हुकूमत का ज़कूटा जिन चीनी आटा और दवा खा गया, उसी जिन ने पार्लियामेंट पर हमला किया, सहाफियों पर गोलियां चलाईं। ज़कूटा जिन बचे खुचे निज़ाम की हड्डियां चबा रहा है। बजट के आफ्टर शॉक्स, आटा और चीनी ही नहीं कुकिंग ऑयल और घी भी महंगा होगा। 1 जुलाई से घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 13 से 18 रुपए फी किलो इजाफा होगा। बनस्पति मैन्युफैक्चरर्स ने वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना को पेश की आगाह कर दिया। IMF से फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। 150 अरब के नए टैक्स लगाने की डिमांड। बिजली की कीमत 4.95 रुपए फी यूनिट बढ़ाने की शर्त रखती। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की लाइन लॉसेस कम करने और रेवेन्यू में इजाफे की यकीन दहानी। गैस के बाद बिजली का बड़ा बहरान। पानी की कमी के बाद तरबेला डैम के 7 यूनिट बंद कर दिए गए। 1707 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक पहुंच गया। इरसा ने तरबेला डैम से बिजली की पैदावार के लिए वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची से मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद। टैंकर्स जहां हैं वहीं रोक दिए गए। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुलगीर हड़ताल कर दी। सदर एसोसिएशन आबिदुल्ला आफरीदी का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का ऐलान। नासिर हुसैन शाह ने MKM को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कराची के दावेदारों का 3 अजला में कोई रुकन नहीं, उनकी नफरत भरी सियासत के बायस अहले कराची ने धुतकार दिया। मुतहदा कायद को छोड़ा है तो उसकी सोच को भी छोड़ें। मफाहमत की सियासत के जवाब में मुनाफकत की सियासत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से MKM के वफ्द की मुलाकात। पानी बिजली बहरान और मर्दमशुमारी 2022 कराने में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत शहरी इलाकों के साथ इम्तियाज सलूक कर रही है, मुत्तहिदा की शिकायत। भूषण यादव का NRO है आज से नहीं, में पहले दिन से जब इन्होंने चोर दरवाजों से रात की अंधेरों में ये ऑर्डिनेंस तैयार किया, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए तैयार किया, उस इंडिविजुअल ने फिर इसका एडवांटेज ही नहीं लिया, फिर वो मजबूर होकर हमारे सामने भी लेकर आना पड़े, अब वो असेंबली पे आ रहे हैं। हम इसका तो वोट तो खिलाफ देंगे, हम इसका मुखालफत करेंगे, और वो इसलिए हमें तो एतमाद भी नहीं लिया। कुलभूषण को NRO देना है तो इमरान खान खुद दें। पीपल्स पार्टी ने कुलभूषण से मुतालिक बिल की मुखालफत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं एक शख्स के लिए चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस तैयार किया गया। कराची में 4 लाख पथारे, कहीं पुलिस KMC तो कहीं ट्रैफिक पुलिस के सिक्का शाही। यौमिया 4 करोड़ रुपए का भत्ता लिया जाने लगा। बस स्टॉप्स पर भी दुकानें और जूस के ठेले। पाकिस्तान में आज साल का आखिरी सुपरमून। माहिर फलकियात के मुताबिक सुपरमून को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है।
जमीन से फासला कम होने पर चांद बड़ा नजर आता है।